एक सप्ताह के अंदर दो नाबालिग बच्चियों को मुस्लिम समुदाय के लड़कों द्वारा अपने साथ भगा ले जाने के मामले में लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। इस मामले के विरोध में दुकानों को बंद कर व्यापार मंडल समेत हिंदू जागृति मंच और बजरंग दल के लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के बड़कोट जिले में पुरोला और चक्राता गांव से नाबालिग बच्चियों को विशेष समुदाय के लड़के द्वारा भगाए जाने का मामला सामने आने के बाद लोगों में जन आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस मामले से आक्रोशित हिंदू जागृति मंच, बजरंग दल और स्थानीय लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान व्यापार मंडल के लोगों ने भी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। हिंदू जागृति मंच और बजरंग दल ने जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। हिंदू जागृति मंच के अध्यक्ष केशव गिरी ने कहा कि ये दिल दहला देने वाली घटनाएं देवभूमि में जो हो रही हैं, यहाँ बिल्कुल कश्मीर जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये देवभूमि के लिए अच्छा नहीं है। प्रशासन ऐसे मामलों पर जल्द कार्रवाई करें। आए दिन की घटनाएं सब देख रहे हैं और हृदय कांप रहा था। दिल दहला देने वाली जो घटनाएं हो रही हैं उत्तराखंड देवभूमि में, ये कश्मीर जैसा माहौल बनता जा रहा है, ये बिल्कुल देवभूमि के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और आज हमने सबने मिलकर के एक जुलूस प्रदर्शन किया एकता के लिए, बड़ी शांति से, जिसमें किसी भी व्यक्ति के या विधर्मियों से और कैसे भी असामाजिक तत्वों से कैसा भी कोई व्यवधान नहीं हुआ, किसी की कोई भी तरह की हिंसा नहीं हुई, इसमें कोई भी मारपीट नहीं हुई है। इस मामले पर नगर पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों का सर्वनाश ही हुआ है, इसका इतिहास गवाह है। हमने इन लोगों को रोजगार के लिए दुकान से लेकर ठेके तक दे रखे हैं, लेकिन ये जालिम हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसे कृत्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आज तक शायद सब लोगों को पता है कि रामायण लिखी गई तो ये एक महिला के दर्द पे लिखी गई, महाभारत अगर हुई है तो ये एक महिला के दर्द पे हुई है। यदि महिलाओं पे जब जब किसी ने अत्याचार किया, जब जब किसी ने उंगली उठाई, तो उनका सर्वनाश ही हुआ है। और मैं ये जो रैली निकाली हमारे बच्चों ने, ये इनकी अंदर की पीड़ा है। जब यहाँ की बेटियों पे, यहाँ की महिलाओं पे अत्याचार होना शुरू हुआ और ये लोग जो है अपने जो ये, मैं तो इनको जालिम बोलूंगी, क्योंकि जब इन लोगों को हमने अपनी दुकानें दे रखी है, अपने घर दे रखे हैं और यहाँ तक कि ठेके भी इन्हीं को दे रहे हैं और आज ये हमारी छोटी छोटी बालिकाओं को ऐसे पहला फुसला कर भगा रहे हैं, तो इन लोगों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले पर बजरंग दल के कार्यकर्ता गंभीर चौहान ने कहा कि ये बाहरी ताकतें हैं, इस मुल्क में ऐसी गतिविधियों को करने के लिए फंडिंग कर रही हैं और लोगों को उकसाया जा रहा है कि आप ऐसे क्षेत्रों में जाओ और बच्चियों को फंसाओ, लव जिहाद करो और लैंड जिहाद करो। जो यहाँ पर इस शांत प्रिय इलाके के लिए बहुत दुखद घटना है, सारी ताकतें जो इस मुल्क के अंदर बाहर से फंडिंग हो रही है और उनको उकसाया जा रहा है इस तरह के कृत्य करने के लिए कि आप आपके सीमांत क्षेत्र में जाओ, वहाँ पे जमीनें खरीदो, लैंड जिहाद करो। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।